आखिर कब तक होगा ये, आखिर कब तक यूं ही चलता रहेगा? क्यों नेता यहाँ चुप हो जाते हैं? क्यों सिर्फ एक ट्वीट काफी है अल्ताफ के लिए? सिर्फ एक ट्वीट क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मुसलमान था, या सिर्फ इसलिए कि यूपी की राजनीति में सिर्फ ऐसे मुद्दों पर बात हो रही है जिससे सिर्फ फायदा हो रहा है? इन मुद्दों पर बात नहीं हो रही, क्या इस मुद्दे पर सियासी रोटी सेकेंगे तो हाथ जल जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का खास कार्यक्रम और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज एक रिपोर्ट आपके लिए लेकर आई हूं, पहले वो देखिए फिर आज सवाल होंगे सिस्टम से। तुलसीदास की जन्मस्थली कल्याण सिंह की कर्मभूमि कासगंज एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है पुलिस कस्टडी में अल्ताफ नामक युवक की मौत। इस मामले ने पूरे प्रदेश का सियासी पारा गर्म कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस की कहानी ने इस मामले को अनूठा बना दिया। पुलिस का तर्क है कि अल्ताफ ने जैकेट की टोपी में लगी डोरी से फंदा बनाया और बाथरूम के नल से बांधकर फांसी लगा दी। लेकिन लोगों को पुलिस की ये कहानी समझ नहीं आ रही है कि 5 फीट 6 इंच का आदमी 2.5 फीट ऊंची नल से कैसे लटक सकता है। क्या नल उसका भार सहलेगा? क्या जैकेट की डोरी अल्ताफ का वजन बर्दाश्त कर लेगी? सियासी तूफान बड़ा होने से पहले ही 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन पुलिस सवालों के घेरे में है। आखिर अल्ताफ के साथ हुआ क्या था? अल्ताफ 22 साल का सजीला नौजवान था। वो अपने पिता चांद मियां और मां शबनम की आंखों का तारा था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन घर के आर्थिक हालात को देखते हुए वो टाइल्स लगाने का काम करता था। इन दिनों वो एक घर में टाइल्स लगा रहा था। इस दौरान उस घर की एक नाबालिग लड़की लापता हो गई। लड़की के परिवार वालों ने शक जताया कि अल्ताफ लड़की को भगा ले गया। मामला पुलिस तक पहुंचा। सोमवार की रात करीब 8 बजे पुलिस ने नगला सैयद इलाके में अल्ताफ के घर दबिश दी और उसे घर से पूछताछ के नाम पर उठा लिया। पुलिस ने उसके घर वालों से कहा कि पूछताछ के बाद अल्ताफ को छोड़ देंगे। पिता चांद मियां ने बेटे को इस उम्मीद के साथ पुलिस को सौंप दिया कि बेटा गलत नहीं है, वो वापस आ ही जाएगा। लेकिन अगले दिन बेटे की मौत की खबर आई। पुलिस ने घर वालों को बताया कि अल्ताफ ने आत्महत्या कर ली है। बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा जमाने का सबसे बड़ा दुख कहा जाता है और ये दुख चांद मियां पर टूट पड़ा। पुलिस कहती है कि अल्ताफ ने वॉशरूम जाने के लिए कहा, उसे रास्ता बता दिया गया। बहुत देर तक जब वो वापस नहीं आया तो पुलिस वालों ने जाकर देखा, अल्ताफ ने जैकेट की टोपी में लगी डोरी का फंदा बनाकर नल के पाइप से फांसी लगा ली थी। जैसा पुलिस कहती है कि उसकी सांसें चल रही थी। आनन फानन में उसे अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। कासगंज के पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोचरे ने कैमरे पर कहा कि युवक नाबालिग लड़की को भगाने में नामजद था। उसे पूछताछ के लिए लाया गया था। जैकेट की डोरी से युवक ने शौचालय में फांसी लगाई, लेकिन पुलिस की थ्योरी पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है। पुलिस पर सवालों की झड़ी लग गई है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। यूपी में आए दिन ऐसा होता रहता है। सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस सपा ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। वही थाने में युवक की मौत के सवाल पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, एक प्रतिक्रिया के तहत कार्रवाई की गई है। मृतक के पिता ने वायरल वीडियो में संतुष्ट बताया है, लेकिन विपक्ष इसे सांप्रदायिकता का रंग चढ़ाने का काम कर रही है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि एक मुस्लिम की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई, इसलिए विपक्षी दल तुष्टिकरण की नीति के तहत ये सब कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत के अंदर कहीं पर भी ऐसी चीजें होती हैं तो उसकी जांच होती है, मानव अधिकार आयोग होता है। इस मामले में पिता का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो संतुष्ट हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मृतक के पिता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जांच की जाएगी और उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सिंह ने कहा कि एक जजमेंट के साथ एक कैंपेन शुरू किया जाए विपक्षी हताशा को दिखाता है। वह इस घटना पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आत्महत्या पर सवाल खड़े कर दिए। इस पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को टोंटी का बड़ा ज्ञान है। टोंटी के विषय में जितना उनको ज्ञान है उतना किसी और को ज्ञान नहीं हो सकता। अखिलेश यादव अपना टोंटी ज्ञान फॉरेंसिक वालों को भी दे। दरअसल 2017 में बीजेपी ने आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ने से पहले टोंटी निकाल कर ले गए थे। सिद्धार्थनाथ सिंह का इशारा उसी ओर था, लेकिन यहाँ सवाल अखिलेश यादव का नहीं है या टोंटी उखाड़ने का नहीं है। यहाँ सवाल है एक बेगुनाह की मौत का। वो बेगुनाह है या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस क्या कह रही है, पुलिस क्यों कह रही है, पुलिस क्या कर रही है, इस पर हर किसी की नजर बनी हुई है। कभी मनीष गुप्ता, कभी आगरा का मामला, तो कभी कहीं और का। लेकिन सवाल ये कि पुलिस अपराधियों का एनकाउंटर करते करते आखिर कब आम आदमी पे आ गई, ये पता कर पाना मुश्किल है।
पुलिस कस्टडी में हुई मौत पर कासगंज में बवाल उठ गया है। हालांकि कुछ दिन पहले हुई मौत से इस बात पर सनसनी हो गई कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भले ही लाख दावे कर लें लेकिन कानून व्यवस्था दिख नहीं रही है। डीजीपी से लेकर लगभग तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कमिश्नरेट को लागू करके, लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में हुई मौत से विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है। हालांकि इस मामले में भाजपा भले ये बात कहे कि पिछले समाजवादी पार्टी सरकार का अंजाम ही हमको भुगतना पड़ रहा है और हमने 5 पुलिस वालों को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। पिता के हुए इस बयान पर एक बात उठ गए हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा कोई भी बयान कभी बदला जा सकता है और कभी भी कराया जा सकता है, क्योंकि 2 दिन पहले बयान पिता का कुछ और था और आज कुछ और। हालांकि अल्ताफ के पिता का ये कहना है कि उसकी मौत पुलिस कस्टडी में हुई है और भागी हुई लड़की का अब तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। हालांकि 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने से क्या अल्ताफ की जान वापस आ जाएगी? लखनऊ से विवेक के साथ दानिश्वर से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए। दरअसल पुलिस की थ्योरी पर इसलिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये थ्योरी बिल्कुल अलग है। अब इस थ्योरी को कुछ इस तरह समझिए, 5 फुट 6 इंच का आदमी 2.5 फीट के नल से कैसे लटक सकता है? दूसरा सवाल यह है कि अगर वो लटका भी तो क्या उसे छटपटाहट नहीं हुई होगी? तीसरा सवाल यह है कि अगर छटपटाहट हुई तो क्या नल ने उसका भार सह लिया होगा? चौथा ये कि ऐसा माना जाता है कि फंदे से लटके शख्स का पैर अगर जमीन से ऊपर नहीं है तो उसकी जान जा ही नहीं सकती। पैर जमीन पर रखकर कोई कैसे मर सकता है ये पुलिस ही साबित कर सकती है और पुलिस ही बता सकती है। अल्ताफ की लंबाई तो नल से 2 गुनी से ज्यादा थी तो क्या उसने जमीन पर ही आत्महत्या कर ली? छठा सवाल यह है कि उसने जैकेट से जुड़ी टोपी में लगी रस्सी के सहारे फंदा लगाया, क्या वो डोरी इतनी मजबूत थी कि उसका भार सह ले? सातवां ये कि हवालात और शौचालय में कुछ कदमों की दूरी है तो क्या उसकी आवाज बाहर नहीं आई होगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। वैसे इन सवालों से अलग और भी कुछ सवाल हैं जिनको सुनना जरूरी है, जानना जरूरी है। ये है एग्जीक्यूटिव एडिटर तिलक चावला के सवाल, जिन्होंने सिस्टम के साथ साथ नेताओं को भी आईना दिखाया है। देखिए, 5 फिट 6 इंच उसकी हाइट, बाथरूम के नल की हाइट, टूटी की हाइट 2 फीट, और वो शख्स आत्महत्या कर लेता है ना गजब की थ्योरी। ये वो थ्योरी है जो किसी के गले नहीं उतर रही। अब ये 2 तस्वीरें मैं आपके सामने रखता हूं। एक वो तस्वीर जो आप देख रहे होंगे कि ये ट्यूटी है, बाथरूम की नल की बात मैं कर रहा हूं। इस नल की हाइट को जरा ध्यान से देखिए, और दूसरी तरफ वो शख्स जिसकी मौत हो चुकी है और उसकी हाइट है 5 फुट 6 इंच, है ना गजब की थ्योरी कि 2 फीट नल का जिसकी हाइट है वो जैकेट के नाड़े से रस्सी बांधकर आत्महत्या कर लेता है। यूपी पुलिस की इस गजब की थ्योरी पर पुलिस नहीं बल्कि एक बॉलीवुड स्क्रिप्ट लिखी जानी चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्ट के इर्द गिर्द कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे स्क्रिप्ट को हमेशा की तरह पलटने की कोशिश की जा रही है, इस थ्योरी को पलटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज उस सच के ऊपर से पर्दा उठाने की हम कोशिश करेंगे उन पहलुओं के साथ जो सवाल अभी गुम है। यह मसला सिर्फ और सिर्फ एक अल्ताफ का नहीं है, ऐसे ना जाने कितने अल्ताफ हैं जो गोरखपुर के मनीष गुप्ता के रूप में दिखाई देते हैं, जो वाल्मीकि के रूप में दिखाई देते हैं आगरा के, ऐसे ना जाने कितने अल्ताफ रोज पुलिस की कस्टडी में मर रहे हैं। अब इस थ्योरी को जिसने गढ़ा, अब उस शख्स को भी समझिए। वो शख्स कोई आम शख्स नहीं है। जब कोई शख्स आईपीएस बनता है तब उसे ऐसी परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है जो सबसे अलग होता है। अब इस आईपीएस का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये एसपी रोहन प्रमोद हैं। कौन रोहन प्रमोद? एसपी रोहन प्रमोद, जिन्होंने ये थ्योरी दी कि एक शख्स 2 फीट नलके पर अंदर बाथरूम में जाता है, पुलिस कस्टडी में जाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। यह खबर आपने भी देखी होगी, सुनी होगी और आप भी हैरान हुए होंगे। लेकिन उस शख्स के बारे में जानिए कि आखिरकार एक आईपीएस इस तरह की थ्योरी पर कैसे यकीन करता है, और क्या वाकई में 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर देना यह न्याय संगत है? पहले प्रमोद
जो रोहन प्रमोद है एसपी, जिन्होंने ये बात कही, जिन्होंने थ्योरी गढ़ी, जिन्होंने जनता को बताया कि इस वजह से अल्ताफ की मौत हो गई, वो है कौन? दरअसल एसपी रोहन जो है वो 2016 बैच के अधिकारी हैं। ये वो अधिकारी हैं जो अमेरिका के अंदर जो है सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आए, अमेरिका से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आए। ये वो अधिकारी हैं जिनके आगरा में जिनको जिम्मा दिया गया और कई खुलासे करने के बाद उनकी पीठ थपथपाई गई, तब उनको ये नई जिम्मेदारी मिली। आज वो कह रहे हैं कि 2 फीट का पाइप जिस पर नलका लगा है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर उस पर कुछ हल्का सा भी भार दे दिया जाए तो वो नलका उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो 5 फीट 6 इंच का युवा लड़का कैसे बर्दाश्त कर गया, यह अपने आप में एक अहम सवाल खड़ा होता है, पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 जो इस पूरी की पूरी थ्योरी के इर्द गिर्द कई सवाल खड़े करता है। अब मैं पॉइंट नंबर 2 पर आऊं, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि पुलिस की इस थ्योरी पर अब मोहर वो परिवार भी लगा रहा है जो कल तक आरोप लगा रहा था, क्योंकि कल तक मृतक के पिता चांद मिया साहब कह रहे थे कि मैं खुद अपने बेटे पर जब आरोप लगे तो उसे थाने देकर आया था ताकि पुलिस तफ्तीश कर ले, क्योंकि उसके ऊपर आरोप था एक लड़की को भगाने का। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि 10 नवंबर का बयान था और आज थ्योरी यह आई कि मैंने दबाव में यह बयान दिया था, यानी पुलिस ने पूरी तरह से जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसके मुताबिक अब इस पूरी स्क्रिप्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले यह 2 बयान सुनिए, पिता का जो कल बयान दिया था और साहब एसपी साहब का, एसपी साहब जो कह रहे थे कि नलके की ट्यूटी से लटक कर 2 फुट की अल्ताफ ने आत्महत्या कर ली, और उस डोरी से जो जैकेट की डोरी थी, है ना गजब की थ्योरी जिस पर आपको भी यकीन नहीं हो रहा। ये 2 बयान सुनिए, क्योंकि 2 तस्वीरों का मैंने जिक्र किया था, अब ये 2 बयान सुनिए। मैंने 8 बजे अपने बच्चे को पुलिस वालों के हवाले किया है, मैंने खुद अपने घर में से। कब? कल 8 बजे। किस मामले में पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले मेरी लड़की के ये कह रहे थे कि ये शक है हमें, पुलिस अपने अपने बच्चे को हमारे तो आरोप के चक्कर में, तो मैं उस बच्चे को मैंने अपने हाथों से पकड़ के दिया है, बच्चे को खुद दिया, खुद अपने हाथों से। फिर क्या हुआ? बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग, मैं चौकी तक आया हूँ, चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया है, मुझे चौकी से फटकार के भगा दिया गया है। आज क्या होता है? 24 घंटे बीत जाने के बाद, 24 घंटे के बाद में ये मालूम पड़ रही है, वो मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। किन लोगों ने फांसी? अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही लगाएंगे। क्या नाम है आपके बच्चे का? अल्ताफ। कितनी उम्र है? 21 साल। कौन किस जगह लगाई है फांसी? किस जगह? नदरी के चौकी से मैंने बच्चा दिया था अपना, और ये बड़े थाने में आया है बच्चा, बड़े थाने में ये घटना हुई है। देखिए, कोतवाली कासगंज में एक 363-366 आईपीसी के एक प्रकरण के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ सनम चाहत मिया है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था। उसने पूछताछ के दौरान वहां पे बैठे पुलिस कर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपने गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको सीएससी अशोक नगर कासगंज में ले जाया गया। वहां पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही में इस प्रकरण में जो जो पुलिस कर्मियों की लापरवाही इसमें है उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है। 5 पुलिस कर्मियों को इसमें सस्पेंड किया जाएगा। आपने ये बयान सुने। अब मैं आता हूं एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर। यह महत्वपूर्ण बिंदु जो एक बहस का विषय बन सकती है, जो बनती नहीं है। कई ऐसे मामले जो सुप्रीम कोर्ट ने तस्दीक किए कि तमाम जितने भी पुलिस थाने हैं उसमें सीसीटीवी होने चाहिए, तमाम राज्य सरकारें इसके लिए बजट आवंटित ना करें बल्कि इस पर इंप्लीमेंट करें, और यह मसला सुप्रीम कोर्ट ने कई बार उठाया, कई बार राज्य सरकारों को फटकार लगाई। उत्तर प्रदेश में भी यह मसला सामने आया।
यहां तक कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा था कि आप लोग सीसीटीवी जो लगा रहे हैं उसमें ऑडियो वीडियो होना चाहिए, यानी कि ऑडियो की व्यवस्था भी होनी चाहिए, सिर्फ फुटेज नहीं। और अगर इस थाने के भीतर जहां पर इस शख्स की मौत होती है, इस युवा की मौत होती है, वहां अगर सीसीटीवी होता, अगर है तो उसे खंगाला जाना चाहिए, और तमाम थानों में होता तो तमाम थानों में ऐसे मामले ना आते, पुलिस कस्टडी में इस तरह से मौत ना होती, जो हर बार की तरह एक स्क्रिप्ट लिख दी जाती है कि मौत इस वजह से हुई, हम अस्पताल लेकर गए और उपचार के दौरान उस शख्स ने दम तोड़ दिया। हर बार यही स्क्रिप्ट होती है, बस जगह बदल जाती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की उस फटकार पर अब तक कोई भी फैसला ना होना क्या सवाल नहीं खड़ा करता? क्या वाकई पुलिस वाले उत्तर प्रदेश में गुंडे की भूमिका में आ चुके हैं? पुलिस वाले गुंडे जो वर्दी में कभी ना कभी किसी ना किसी को, आज गर्दन आपकी भी गिरफ्त में आ सकती है, बस ये सोचिए कि गिरफ्त में है और दबाया भी जा रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मसला सिर्फ अल्ताफ तक सीमित नहीं है। मैंने मनीष गुप्ता का भी जिक्र किया, वाल्मीकि का भी जिक्र किया, और ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। और सवाल राजनीतिक दलों पर इसलिए भी क्योंकि 5'6" का लड़का जिसकी मौत हो जाती है पुलिस कस्टडी में, और राजनीतिक दल चुप्पी साध लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस शख्स का नाम अल्ताफ था, इसलिए। अल्ताफ, अगर मनीष गुप्ता का जिक्र मैंने किया, याद होगा आपको किस्सा, उनकी पत्नी ने कैसे गुहार लगाई, पूरा सिस्टम हिल गया, राजनीतिक दलों को दौड़ लगानी पड़ी, लेकिन आज स्थिति दूसरी है। आज अल्ताफ राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं है, जरा सोच कर देखिएगा। और क्या वाकई में आपको इस थ्योरी पर यकीन होता है? ये दो पहलू जो कहीं ना कहीं इस थ्योरी पर सवाल खड़े करते हैं। और वो शख्स जो खुद अमेरिका की सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आता है अमेरिका से, और वो ये थ्योरी देता है, यकीनन अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इन दो तस्वीरों के साथ एक बार फिर से छोड़ के जा रहा हूं, जो अपने आप में एक सवाल है। एक तरफ वो टूटी जिस पर उस शख्स ने 5'6" के लड़के ने आत्महत्या कर ली, और दूसरी वो लड़का। अगली बार फिर एक और नए वीडियो के साथ आएंगे हम आपके पास। न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर ऐसी ही खबरें आपको मिलेंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये सवालों से भरी रिपोर्ट आपने देखी। अब जरा इस मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं, वो भी सुनना जरूरी है। देखिए, पिछली सरकारों में जिस प्रकार से भर्तियां की गई हैं, जिस तरह से मानकों को ताक पर रखा गया है, भाई भतीजावाद के आधार पर, सिफारस के आधार पर, पैसों के आधार पर, पूरा वर्क जो वर्क क्लास है उसको खराब करने का काम किया गया है। और इसी कारण से कई बार इस तरह की खामियां निकल के आती हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद से सबसे ज़्यादा आज ऐसे लापरवाह दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने का काम हुआ है। हम किसी तरह की शिथिलता लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी कर्तव्य में उपेक्षा या उदासीनता बरतेगा तो कठोरता से कार्रवाई। बिल्कुल, जो वीडियो बात की आ रही है, पिता का बयान देखिए कि पुलिस ने उनसे अंगूठा लगवा लिया गया, किसी लिखित कागजात पर उनसे अंगूठा लगवा लिया गया। तो ये समान हत्या, समान मौत नहीं लग रही है, पूरी तरीके से हत्या का मामला है। और इससे पहले भी अगर आप यूपी पुलिस के आंकड़े देखिए तो 1318 मौतें पुलिस कस्टडी में हुई हैं। तो ये बयान कर रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से कानून व्यवस्था जो है व्यवस्थित करने में नाकाम साबित हो रही है। तो मैं कासगंज की घटना पर कठोर निंदा करता हूँ, और जो मुझे जानकारी हो रही है, एक फोटो वायरल हो रहा है कासगंज का, उस अल्ताफ नाम के युवक 21 वर्षीय लड़के का, ये आप देख रहे हैं, इतनी नीची टंकी से लटक कर और जिसका पूरा जिस्म फर्श से टिका है, तो ये कैसे आत्महत्या हो सकती है? स्थानीय पुलिस द्वारा अल्ताफ को पकड़कर थाने लाया गया और उसके साथ आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान 9 तारीख को दिन में करीब 2:30 बजे उक्त अल्ताफ द्वारा थाने के हवालात में ही अपने हुडी के जो नाड़ा होता है उससे गले में फांसी लगा करके आत्महत्या का प्रयास किया गया। सूचना मिलते ही तत्काल स्थानीय पुलिस उसको हॉस्पिटल में ले गई, जहां करीब 10-15 मिनट वो जीवित रहा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई।
नहीं देखो, ये तो छोटा से नाबालिग बच्चा भी जान सकता है कि टोटे जो है 3 फीट की टोटी होती है, और कोई बच्चा जो 22 साल का बच्चा है कम से कम 5 फीट तो होगा ही। बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि ये बनावटी बात है और इस पर कप्तान को सस्पेंड होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अगर आप कहते हो कि पुरानी सरकार के द्वारा हो रहा है तो पुरानी सरकार आने दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, कासगंज में पुलिस कस्टडी में हुई अल्ताफ की मौत मौत नहीं है, एक हत्या है। आपने देखा कि वहाँ के कप्तान किस प्रकार से बता रहे हैं कि 2 फीट के ऊंचाई पर टूटी से उसने अपने गले को बांध कर हत्या खुद की आत्महत्या कर ली। निश्चित ही यह संदेह के घेरे में है। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश की पुलिस, बाबा जी की जो पुलिस है, ऐसे ही क्रियाकलापों से संदेह के घेरे में आती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मांग करती है कि जो मृतक है उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए और एक परिवार के सदस्य को नौकरी दिया जाए। निश्चित ही यह संदेह के घेरे में आने वाली बात है। ये प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, अब परिवार का दुख देख लीजिए। मैंने 8 बजे अपने बच्चे को पुलिस वालों के हवाले किया है, मैंने खुद अपने घर में से। कब? कल 8 बजे। किस मामले में पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले मेरी लड़की के ये कह रहे थे कि ये शक है हमें, पुलिस अपने अपने बच्चे को हमारे तो आरोप के चक्कर में, तो मैं उस बच्चे को मैंने अपने हाथों से पकड़ के दिया है, बच्चे को खुद दिया, खुद अपने हाथों से। फिर क्या हुआ? बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग, मैं चौकी तक आया हूँ, चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया है, मुझे चौकी से फटकार के भगा दिया गया है। आज क्या होता है? 24 घंटे बीत जाने के बाद, 24 घंटे के बाद में ये मालूम पड़ रही है मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। किन लोगों ने? अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने लगाई। किसी को नहीं दुखा सकती, क्या उनके सर में चोट लगी हुई थी और पैरों में भी लगी हुई थी? मैंने सर में तो खुद देखा था, मैंने पुलिस वालों से भी कहा था इतना गड्ढा क्यों है मेरे बच्चे के सर में, इतना गड्ढा नहीं होना चाहिए, उतना गड्ढा दिया था, सूझ रहा था, ये सूझ रहा था, इधर सूझ रहा था, बीच में गड्ढा था और पैरों में भी क्या, और मांस भी उसका थोड़ा छुट रहा था। तो ये पूरा मामला इस तरह से है। फिलहाल मामला कुछ ऐसा है कि जिसे समझ पाना आम इंसान के लिए मुश्किल है। हर तरफ सवाल यही कि क्या 5 फुट 6 इंच का आदमी 1.5 फुट की टोटी से लटक कर आत्महत्या कर सकता है। इन सवालों के साथ बहुत सारे सवाल हैं और शायद सिस्टम तक इसकी आवाज जाना जरूरी है, लेकिन सिस्टम शायद अंधा, बहरा और गूंगा तीनों हो गया है, क्योंकि ऐसे कितने अल्ताफ हैं जिनकी जो फाइलें हैं वो सिर्फ एक दिन खुलती है और हमेशा के लिए उन फाइलों को दफन कर दिया जाता है, ये अल्ताफ उन्हीं में दफन हो जाते हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।